नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, इसकी रासायनिक सिद्धांत, तो रासायनिक क्रियाविधि और इसके बचाव, मतलब इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके उपाय देखेंगे दोस्तों और इनको प्रभावित करने वाले कारण। तो सबसे पहले संक्षारण की परिभाषा देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछनीय यौगिक में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। सिंपल सा परिभाषा दोस्तों, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे को जब हम खुला स्थान पर छोड़ देते हैं तो उसमें वायु या नमी की उपस्थिति में वो जंग लग जाता है दोस्तों, और अवांछनीय पदार्थ, जैसे आपके पास एक लोहा पड़ा है ना, इसके बाहरी सतह पर एक छोटी पतली सी भूरे रंग की पतली परत बन जाती है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग। ये क्यों होता है, तो ये वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा जो होता है दोस्तों, तो आयरन हेमेड्राइट बना देता है, जिसको हम आगे समीकरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो परिभाषा आपको समझ में आएगा कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, गैस में जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नमी द्वारा धातुओं से धीमी गति से अवांछित यौगिक में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। मतलब अवांछनीय पदार्थ बना लेता है दोस्तों, और धातु के चारों ओर भूरे रंग की कलर या परत चढ़ जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। एग्जांपल में लोहे में जंग लगना आप लिख सकते हैं सिंपल सा, और इसी लोहे के जंग का हम रासायनिक सिद्धांत देखेंगे। तो ये रासायनिक सिद्धांत दोस्तों मैंने लिख रखा है, क्योंकि लिखने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है, इसको आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। तो चलिए सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब लोहे के जंग में, इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की तह एक रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है, ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा दोस्तों, जैसे अंदर ये शुद्ध लोहा है, ये एनोड का कार्य करेगा, है ना, और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करेगा। ये कैथोड अशुद्ध लोहा और एनोड किस कौन सा कार्य करेगा दोस्तों, शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करेगा। ये सिंपल सा दोस्तों, इसको बहुत याद नहीं करना है, आपको समझना बस हो गया कि इसमें जो शुद्ध लोहा होता है वो एनोड का करता है और अशुद्ध लोहा दोस्तों कैथोड का कार्य करता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है एनोड पर या फिर टू पॉजिटिव, शुद्ध की बात कर रहा हूं, शुद्ध लोहा या फिर टू पॉजिटिव आयनों के रूप में बिलियन में मिल जाता है शुद्ध लोहे में। अशुद्ध लोहे में भी लोहा होता है, तो अशुद्ध लोहे में भी जो लोहा होता है दोस्तों, टू पॉजिटिव बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ भी तो नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है आयरन, ठीक है, यहाँ पर विलयन के रूप में मतलब समाहित हो जाता है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अंतर क्या है दोस्तों, ये शुद्ध में है ये अशुद्ध में है, इतना डिफरेंस आपको याद रखना है, नहीं कई लोगों को कहना हो जाता है सर हमको समझ में नहीं आया कहाँ से आ गया ये, तो ये शुद्ध लोहा और ये अशुद्ध लोहे में है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे आपको लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणु द्वारा ले लिए जाते हैं, जल के अणु दोस्तों H2O है। शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो ये बनाता है OH नेगेटिव बनाता है, लेकिन बैलेंसी कैसे करेंगे, बैलेंसी जरूरी है। तो यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो दो करेंगे तो सम हो जाएगा, चार ऑक्सीजन हो गए, तो चार इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, और H2 तो पूरे कंप्लीट हो गए, दो दूनी चार, दो हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गया। अब यही OH नेगेटिव आयन आयरन से क्रिया करेगा, क्योंकि आयरन टू पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आयन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, आयरन हाइड्रोक्साइड, लेकिन सूत्र होता है होल टॉइस। अब बैलेंसी कराना तो आपसे बनता होगा, क्योंकि 12th क्लास में है, इसलिए बैलेंसी कराने की आवश्यकता आपको, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर OH का होल टॉइस बन गया। अब ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, यही आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर OH का होल टॉइस किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, मतलब H2O2 ये ऑक्सीजन है, और किससे क्रिया करता है, H2O से, बनाता है दोस्तों क्या, या फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में समस्या हो सकता है, दूसरा मैं समीकरण बता देता हूँ आपको। तो ये हमने लिखा या फिर OH का होल ट्राइस है ना, प्लस H2 प्लस H2O आपस में क्रिया करके बनाता है दोस्तों, या फिर H2O3 × XH2O। यहाँ पर जल की मात्रा ना आवश्यकता के अनुसार अपन ले लेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2F हो जाएगा। तो यही लोहे के जंग का समीकरण है, बस इतना आप समीकरण लिख देंगे ना, आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। अब आगे हम चर्चा करने वाले दोस्तों कि संक्षारण को क्या क्या प्रभावित करते हैं, है ना, तो इसका नाम ही दोस्तों क्या, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बस नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये समीकरण लिख देंगे, बराबर नंबर मिलेगा।
अब हम चर्चा करने वाले हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक में दोस्तों आपको तीन कारक लिखना है, धातु की प्रकृति, धातु में अशुद्धियां और वातावरण। अब तीनों काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा अभी कि संक्षारण दोस्तों हुआ लोहे में जंग लगा, वातावरण में नमी और ऑक्सीजन और H2O के कारण हुआ। तो वातावरण तो बिल्कुल सिंपल सा आपको बहुत ही डिपेंड करेगा संक्षारण के लिए। तो धातु की प्रकृति में आपको क्या लिखना है कि यदि धातु अधिक क्रियाशील है तो उसका संक्षारण अधिक होगा, यानी क्रियाशीलता की कारण दोस्तों संक्षारण में वृद्धि होती है। यानी आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यदि धातु क्रियाशील अधिक है तो उसका संक्षारण जल्दी होगा, मतलब अधिक होगा। दूसरा लिखना है धातु की अशुद्धियों में अशुद्ध धातु जल्दी और अधिक संचारित होते हैं क्योंकि उसमें अशुद्धियां होती हैं, और अशुद्धियां होना दोस्तों ये संचारण का एक नियम है कि जिसमें ज्यादा अशुद्धियां रहेगी उनका संचारण अधिक होगा। तीसरा वातावरण, वातावरण मैंने अभी बताया जैसे आपको, जैसे आपके आसपास वातावरण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है दोस्तों, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये सारे गैसें जो आपस में मिश्रण होकर के किसी न किसी वस्तु को क्या करते हैं संचारित करते हैं, तो आसपास के वातावरण भी ना संचारण में मदद करता है। तो आप इतना बस भी लिख देंगे कि वातावरण में नमी और ऑक्सीजन लोहे के जंग लगने में सहायता करता है। तो ये दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब बचाव के लिए, बचाव तो सिंपल सा दोस्तों आप लोग देखते होंगे आपके घर में भी गेट लगा रहता है लोहे में संचारण के लिए, पेंट या वार्निश कर दी जाती है, सबसे अच्छा सिस्टम आपको पता होगा कि रोधिका लगाकर मतलब दोस्तों किसी भी छड़ या लोहे की छड़ में हम क्या लगा दें, पेंट का सतह लगा दें, ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें या पतली परत टीन की चढ़ा दें, निकिल क्रोमियम जिंक आदि का कोई भी तह पर हम रोधिका बना दें दोस्तों, तो ये हो जाता है रोधिका लगाकर। कहने का मतलब यदि धातु के संचारण को रोकना है, लोहे के जंग को रोकना है, तो उसमें धातु का सतह लगाकर या पेंट या वार्निश लगाकर भी रोका जा सकता है। दूसरा दोस्तों समर्पित बचाव, समर्पित बचाव में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास कोई धातु है, जैसे आपके पास एक धातु है और इसके ऊपर इससे अधिक क्रियाशील धातु लगा दिया हमने, तो पहले संक्षारण होगा तो ऊपर का धातु नष्ट होगा और बाद में नीचे का धातु नष्ट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये समर्पित विधि का मतलब होता है कि पूरी तरह से समर्पित, यानी बाहरी वाली धातु पूरी तरह समर्पित होती है, उसकी नष्ट हो सकती है लेकिन अंदर वाली की नष्ट नहीं होगी दोस्तों। इस प्रकार से आप दो विधि कर सकते हैं, रोधिका स्थापित करके और समर्पित। समर्पित में क्या होता है कि धातु के बाहर क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु, धातु के बाहर क्रियाशील धातु को अपन लगा देते हैं जिससे क्रियाशील धातु पहले संचारित होता है और अपना धातु जैसे लोहा है बाद में संचारित होगा। इस प्रकार दोस्तों आप दो विधि लगा लेंगे बचाव के, है ना। ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करा दिया मैंने, क्या क्या संचारण किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक सिद्धांत क्या है और इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है और इसके बचाव के उपयोग, है ना। तो बचाव कैसे कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।